मॉर्निंग हाय मैम. भाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस मोहित जी फॉर योर विक्ट्री. आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन लाइक व्हाटएवर टफ डिसीजन बट लेट. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. So we are starting afresh. There's a lot of freshness today, Monday. Somehow it always happens that on Mondays we start the new magic book. So start of the week, start of the new journey for us with fresh renewals and determinations that we have. Okay. So anything. So I've also set an intention that this time, whatever way, wherever, whosoever is stuck in life at any particular place, we will have that release and you'll see abundance coming. But then try to not fall too much. You know, like this is where we go wrong. See, all of us have intentions. All of us definitely try to have a spellbound effect on our lives, you know, but then try not falling down, as in cling to gratitude in the tough moments, because that is one thing that will. So don't dig up the holes by complaining and don't dig up the holes by thinking negative. And the moment this happens to us, ensure that we are clinging to the gratitude. I mean, आप लिखो, आप बोलो, आप gratitude walk करो, आपको जो करना है उस वक्त आप करो. आप मन में thank you, thank you, thank you, thank you, like a parrot, आप तोते की तरह रटते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, लेकिन गुस्से के जोन में नहीं रहना है, एंग्जाइटी के जोन में नहीं रहना है. अगर एंग्जाइटी फील हो रही है तो आप बस अपना कॉपी पेन निकाल लो और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू द मदर अर्थ, थैंक यू टू हूसोएवर, थैंक यू टू एम्प्टी थैंक यू लिख लो बिना किसी के. ये सब आप करना, बिकॉज ये प्रैक्टिस ही हमको फिर उसके बाद आप देखोगे आपके एपिसोड्स ऑफ एंजाइटी, वरी, ये सब अपने आप कम होते जाएंगे. ठीक है, सो ये हमको करना जरूरी है. नहीं तो जो प्रैक्टिसेस हम करते हैं, जो हमारा मकसद है कि हम बार बार मैजिक बुक पढ़कर करते हैं, तो फिर वो फिर डिफीट हो जाएगा. अगर दिन में आपके बहुत मतलब ऐसे जोन्स होते हैं जिसमें आप फिर से यू आर डिगिंग अप अ होल, अगेन आप उसको भरते हो खूब सारा ग्रैटिट्यूड से, फिर आप वो गड्ढा और गहरा कर देते हो चिल्ला के किसी पे, फिर आपका वो गड्ढा वापस भरता है ग्रैटिट्यूड से, ऊपर की तरफ आ जाता है, बल्कि प्लस में चलता है. फिर से कुछ ऐसा कर देते हैं, यू नो, लाइक फिर से वो उसमें होल हो जाता है. तो ऐसे यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर, राइट? वी विल नॉट गेट एनीवेयर लाइक दैट विद दैट. सो इसलिए हमको सिर्फ कोशिश करनी है. अब क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ अस हैव ऑलरेडी डन द मैजिक बुक बिफोर, तो अगर हम कर चुके हैं तो अब हमको ये पता है कि अगर हमारे नेगेटिव जोन्स आएंगे या लाइफ में चैलेंजेस आएंगे तो वो फॉल्स अपीयरेंस होते हैं. वो यूनिवर्स अलग तरह के कपड़े पहन के हमारे पास आते हैं, वो हमारा टेस्ट होता है. तो उसमें पास हो जाओ, और पास होने का तरीका हमको बहुत अच्छे से आता है ना, जो मैंने जैसे अभी बताया था. बस आप थैंक यू लिखो, थैंक यू बोलो, थैंक यू सोचो. अपने पांचों सेंसेस से जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो वो चीज वो जोन से बाहर निकल के वो बहुत ही ब्यूटीफुल आउटकम आता है. जैसे आज मोहित जी ने लिखा है ना कि वो दरवाजा आपका बंद होता है तो आपका बहुत सुंदर दरवाजा कोई खुलता है, और वो एक नहीं, वो बहुत सारे खुलते हैं. तो आपकी लाइफ हर मायने में एस्केलेट होती जाती है. So this is how we have to carry on in life, and with that fresh intention that aap sabki zindagi mein jadoo aur chamatkar ki barish ho, you know, and get used to it, because ye iski aadat dalo, because abhi hota rahega, hai na? So yeah, I think Neeti is reading today. Neeti, Indar, yeah, ma'am. Yeah. But aap kal par lijega, because ye already Neeti aur Meetu ji ke naam pehle aa gaye the, to aap kal par lijega magic book. Okay, ma'am. No issues. Yeah, Neeti, would you want to start? Yeah. Ma'am, I'm dedicated to you. Right? Maybe may the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is. You have to start from the screen, please. I mean, like what's mentioned on the screen. Okay, sorry. This is a very important. Topic that you're reading, है ना, जो आप पढ़ रहे हो वो इसके बाद कर. Okay. All right. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized
that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. So इसमें यह है that life is a पहेली, it is a riddle, ठीक है? और अगर वो riddle को solve कर लिया, तो आपकी बल्ले बल्ले, मौजा ही मौजा, बस ये इतना सा fact है, और वो riddle क्या है, of course, like क्योंकि हमने book पढ़ी है, हमको पता है already, so इसीलिए मतलब centuries और ages से ये चीजें, मतलब emerald tablet में भी ये चीज लिखी हुई थी, which was like 5000 BC, you know, before Christ, तब से लेके जितने भी religions हैं सबने शुक्राने की पावर को लिखा हुआ है और जितना ज्यादा हम लोग इतना डीप डाइव करते जा रहे हैं ग्रैटिट्यूड में उतना ही हमको और पढ़ने को मिल रहा है ग्रैटिट्यूड के बारे में इजंट इट मतलब इतने सारे टैग्स इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस इतनी सारी किताबें जो ग्रैटिट्यूड पे लिखी गई थी हमको कहाँ पता था हमने पहली बार ग्रैटिट्यूड मेरे ख्याल से इतना डेप्थ में इसी बुक से पढ़ा था उसके बाद आते गए अलग अलग रिलीजन्स बात कर रहे हैं अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स बात कर रहे हैं और कितने पुराने जमाने के यू नो क्राइस्ट के टाइम के जो यू नो वहां पे तो तब तो गॉड ही होते थे मतलब हम उनको गॉड ही बोलते थे सबने शुक्राने के बारे में लिखा हुआ है तो इस किताब में भी रोंडा बर्न ने सारे एक्सर्प्ट उठाए हैं मतलब सारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे रिलीजियस लीडर्स थे ठीक है हर रिलीजन एक ही के बारे में बात करता है इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हम रिलीजन्स प्रमोट ना करें बिकॉज हमने नाम उनको दे रखा है ना हमने उनको ह्यूमन फॉर्म दे रखा है उनका कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं है वो एक फोर्स है यूनिवर्स के जो हमारी लाइफ में एक्टिवेटेड है और जितनी फोर्स के साथ वो यूनिवर्स में है उसी फोर्स के साथ वो हमारी लाइफ के अंदर है ठीक है हमको बस अपना स्विच ऑन करना है अभी तक जैसे बिजली होती है घर में स्विच ऑन करते हैं तब लाइट नजर आएगी इसका ये मतलब नहीं अगर लाइट ऑफ आपने स्विच से की हुई है इसका ये थोड़ी मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी है और इसका स्विच ऑन करना है वैसे ही हमारी लाइफ में ये जो गॉड है जो भी हमने अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं हम लोग हिंदूज हैं हम मुस्लिम्स हैं हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं है ना हमारे अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं विच इज ओके इसीलिए हम गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात नहीं करते इसमें बिकॉज वो फोर्स हमारे अंदर है ऑलरेडी और वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत रिलीजियस हूँ वो अपने आप आपका कंडक्ट देख के समझ में आ जाएगा कि आपने कितना उस फोर्स को गॉड को जो भी आप नाम देना चाहें वो आपने उसका स्विच ऑन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है ना वो आपके कंडक्ट आपका बिहेवियर आपकी जिंदगी देख के पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा हम क्लोज हैं यूनिवर्स के फोर्स से सो जो कल कंक्लूडिंग चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप इस फोर्स के साथ दोस्ती कर लेते हो तो बस उस फोर्स को आपको सिर्फ देना आता है इट डज इट नेवर टेक्स एनीथिंग फ्रॉम यू इट विल ओनली गिव यू एंड गिव यू इन अबंडेंस बिकॉज उसका पावर इन्फिनिट है ना सो दैट इज गॉड इन आवर लाइफ एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ रिलीजन इज दैट वी बिकम ट्रूली हैप्पी वी बिकम सक्सेसफुल वी बिकम द चैंपियंस ऑफ आवर लाइफ We know how to create the life because that God is constantly coaxing us to create the life and use our forebrain for the creation process. Hum apni zindagi waise banaye, to isiliye kehte hai na, you are the script writer, architect and designer of your life. Okay, ye cheez kabhi mat bolna. जो नेक्स्ट मोमेंट है वो इस मोमेंट में हम नेक्स्ट मोमेंट अपना क्रिएट कर रहे हैं अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स से ठीक है तो उस चीज पे कंट्रोल करना मास्टर करना और क्योंकि आई ऑल्सो प्रैक्टिस बुद्धिज्म तो उसमें एक लाइन है बी द मास्टर ऑफ योर माइंड रादर देन द माइंड मास्टर यू ओके सो दैट एक्चुअली मीन्स दिस ओनली बी द मास्टर ऑफ योर माइंड दैट मीन्स अपने दिमाग को अपने बस में रखो हमेशा और अपनी साइकिल का स्टेयरिंग व्हील अपने हाथ में रखो और उसको जिस डायरेक्शन में आपको घुमाना है आप उस डायरेक्शन में घुमाओ ठीक है ये बहुत जरूरी होता है और किसी और को अपनी साइकिल का हैंडल मत पकड़ने दो कभी भी
दैट मीन्स अपने आप को एम्पावर करो कि दूसरे के इमोशंस, उनका बिहेवियर, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपको बार बार लो नहीं लेके जाए, नहीं तो हम तो पपेट बन जाएंगे, है ना। मतलब कभी किसी ने बोल दिया, खुश हो गए, उसके बाद खाना बहुत अच्छा बना घर में, खुश हो गए, फिर उसके बाद हमारी कुक नहीं आए, छुट्टी पे चले गए, फिर हम दुखी हो गए, फिर किसी ने हमारी तारीफ कर दी, हम खुश हो गए, हम शॉपिंग करने गए, हमको अपना फेवरेट आउटफिट मिल गया, हम खुश हो गए, हम गए हमने या किसी और दिन अपना आउटफिट खरीदने गए, 3 stores देखे, 2 घंटा हो गया, अपनी ड्रेस नहीं मिली, फिर दुखी हो गए। ऐसे ड्रामे अगर हम करते रहेंगे तो इसका मतलब तो हम बिल्कुल वीक है ना अंदर से, कि पूरा कंट्रोल बाहर की सर्कमस्टांसेस ने आपका किया हुआ है। तो इस किताब में हम ये भी तो सीखते हैं ना, हाउ टू डिजाइन योर लाइफ। वी ऑल्सो लर्न ना मैग्निफिसेंट आउटकम करना, हैव अ मैजिकल डे करना, इजंट इट, टू डू लिस्ट बनाना और पहले से ही उसमें ग्रेटिट्यूड डाल देना। अब आपके क्यों 2 घंटा वेस्ट हुए अगर आप शॉपिंग करने गए और आपको मनचाही ड्रेस ही नहीं मिली। सो इसका मतलब है आप बिना थैंक यू किए चले गए थे, अभी भी इतनी बार ये किताब करने के बाद भी, बट कोई बात नहीं, अब चले गए थे, धीरे धीरे हम बना लेंगे ग्रैटिट्यूड को अपना वे ऑफ लाइफ, क्योंकि अभी भी हम बहुत गिरते हैं। ठीक है, क्यों हम ये बुक पता नहीं कितनी बार कर रहे होंगे, आई थिंक ये हमारा 3 years में 36th, 37th टाइम हो गया होगा ये करते करते। ठीक है, लेकिन अभी भी बुक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी शॉपिंग चले जाते हैं बिना थैंक यू बोले, कि थैंक यू फॉर द परफेक्ट ड्रेस, जिस पे मेरा हाथ पड़ा वही मेरे लिए बनी थी, थैंक यू दैट मुझे अपनी प्राइस में, हम बिना ये किए चले गए थे। अब वहां पे गए, 2 घंटा 3 घंटा दुखी रहे, पार्किंग भी नहीं मिली टाइम से, वहां पे भी टाइम वेस्ट हुआ, और फिर वहां 2 घंटा वेस्ट करके आ गए, और उस दिन समय बहुत टाइट था। सो इसका मतलब है अभी भी ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ में नहीं है, है ना, हमारा वे ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि अभी भी हम बिना थैंक यू किए और बिना इंटेंशन सेट किए काम कर रहे हैं। सो जब तक ग्रैटिट्यूड ये सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न नहीं बन जाता, तब तक इस बुक को और ग्रैटिट्यूड को साथ लेके रहेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू बी द मास्टर ऑफ द माइंड इन एवरी वे। जिस भी चीज आप नॉर्मल छोले करी भी बना रहे हो, ठीक है, उसके पहले भी आप ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच फॉर द टेस्टीएस्ट चना करी दैट आई एवर मेड, बट सिंपल, ठीक है, एंड यू कैन इमेजिन दैट पीपल आर सेइंग दैट वाह मजा आ गया खा के। तो छोटी छोटी चीजों में भी तो जादू डाल सकते हैं ना, लेकिन वो आता तो माइंड से ही है। तो इसलिए अपने फोरब्रेन को एक्टिवेट करके रखो, जो हमारा क्रिएशन का मोड है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो डेफिनेटली उसके हिसाब से हमको चीजें मिलती है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड डिजोल्व कर दो अच्छी तरीके से, ठीक है, तब आप देखना कि कैसे जादू और चमत्कार से भरी हुई दुनिया होगी आपकी। सो दैट इज वे, सो इसीलिए ये वाली लाइन जो ऑफकोर्स ये 2 बार आती है इस किताब में, नो मैटर हु यू आर, चाहे आप कोई भी हो, आप मोटे पतले, अमीर गरीब, आप जिस भी छोटे से शहर में रहते हो, बड़े शहर में रहते हो, नो मैटर हु यू आर, कोई भी हो आप, ठीक है, अगर कोई बेगर ही क्यों ना हो, ठीक है, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेर यू आर, आप कहीं पे भी हो, नो मैटर आपकी करंट सर्कमस्टांसेस क्या है, है ना, नो मैटर वॉट योर करंट सर्कमस्टांसेस, द मैजिक is going to change your entire life, ठीक है, आपकी दुनिया बदल जाएगी अगर आप इसको पैटर्न अपने सबकॉन्शियस माइंड में बना लो। तो ये कर करके ये किताब धीरे धीरे पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस, मतलब हमारा जो हाइंड ब्रेन है, जो पीछे की साइड का ब्रेन होता है, उसमें पुरानी मेमोरी स्टोर्ड रहती है, मोस्टली नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव फीलिंग्स में मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा होती है ना, इमोशन, नेगेटिव इमोशन बहुत पावरफुल होता है, इतना कि रोना आता है, गूज बम्स हो जाते हैं, गुस्से से लोग लाल हो जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, सेल वाइब्रेट होने लग जाते हैं हमारी बॉडी के, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है, दिल तेज धड़कने लग जाता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, ठीक है, तो इतना फर्क पड़ता है नेगेटिव इमोशंस में, इसीलिए वो बहुत जल्दी प्रिंट हो जाते हैं, कहते हैं ना जिस चीज में इमोशन डालो वो बहुत जल्दी प्रिंट हो जाती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसीलिए हाइंड ब्रेन में हम बहुत नेगेटिव इमोशंस कैरी कर रहे हैं, फियर कैरी कर रहे हैं, वरी कैरी कर रहे हैं, जेलसी कैरी कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी कैरी कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए पैसे की कमी को हम बार बार सोचते हैं उसके बारे में कि कल क्या होगा, ये सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रहा है। तो इसको पैटर्न अब हम चेंज करेंगे और अपने फोरब्रेन को तो क्रिएशन के लिए यूज ही करेंगे, इसको बोलते हैं डेलिबरेट क्रिएशन, मतलब आपको डेलिबरेटली क्रिएट करना पड़ेगा, जबरदस्ती क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नहीं तो वापस हम
अपने फियर और वरी की तरफ चले जाएंगे. और हाइंड ब्रेन में जो हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है पास्ट की, जिसके कारण हमारा हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, उसको हम चेंज करेंगे अब. इनफैक्ट ये प्रैक्टिसेस करने से, ज्ञान प्राप्त करने से नहीं, प्रैक्टिस करने से हमारे हाइंड ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो चेंज होती जाए. सबसे ब्यूटी ह्यूमन ब्रेन की यही होती है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके बहुत आराम से चेंज हो जाते हैं जैसे ही आप रेपिटिशन के साथ, नहीं कहते ना रेपिटिशन क्रिएट्स मास्टरी, है ना. सो हमारे हाइंड ब्रेन में भी रेपिटिशन विल क्रिएट मास्टरी. दिन रात सुबह शाम हम थैंक यू बोल रहे हैं. सुबह उठते से ही हम काउंट माय ब्लेसिंग्स करते हैं, ठीक है. रात को सोने के पहले हम मैजिक ड्रॉ करते हैं. बीच बीच में हमको असाइनमेंट्स मिलते हैं, हमको कहीं पे भी कुछ दिखता है मैजिक डस्ट करने लग जाते हैं. तो अब ये सिचुएशन जो है ये कितना, मतलब बहुत, हम ऑलरेडी हम पैटर्न चेंज करते जा रहे हैं, है ना. सो इसकी वजह से आप देखोगे दैट नो मैटर हु यू आर, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर व्हाट योर करंट सर्कमस्टेंसेस, द मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ एंड बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज आपको पता भी नहीं है कि आप कहाँ पहुंचने वाले हो जिंदगी में, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपको दिखा दे आपकी मंजिल, ठीक है. लेकिन यूनिवर्स को पता है आपकी मंजिल. सो बी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, ऑलवेज बी एक्साइटेड अबाउट इट. So now we go to the next topic, which is written by the Emerald Tablet. Hanji Niti, please padhiye ye. Yeah. By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. Yeah, can you believe it? हो सकता है आप एक छोटे से महाराष्ट्र के गांव में रहते हो सकता है आप छोटे से महाराष्ट्र के गांव में आप रहते हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड की वजह से आपको पूरी दुनिया की वाहवाही मिलेगी, ठीक है. दैट इज ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड. ग्लोरी मीन्स आपका तेज, आपका प्रकाश पूरी दुनिया में. अब कैसे जाएगा पूरी दुनिया में, हम तो कभी मे बी अपने स्टेट से बाहर ही नहीं निकले, है ना. बट ठीक है, दिस इज द मैजिक. नहीं तो इसको चमत्कार क्यों बोलते हैं, मैजिक्स एंड मिरेकल्स क्यों बोलते हैं. हमारे तो यूट्यूब ग्रुप का नाम ही मैजिक्स एंड मिरेकल्स है ना, और मैंने डेलिबरेटली वो नाम रखा था ताकि जो वो पढ़ रहा है, सुन रहा है, यू नो, उस यूट्यूब के चैनल को, उसकी जिंदगी विल बी कवर्ड बाय मैजिक्स एंड मिरेकल्स. तो चमत्कार का मतलब ही क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड समथिंग, वेरी बिग समथिंग जो आपको चकाचौंध कर दे, समथिंग जो आपको कहे कि वाह ये कैसे हो गया, ठीक है. दैट्स व्हाट मिरेकल मीन्स. बट गेट यूज टू इट, बिकॉज एमरल्ड टैबलेट पे लिखा है, गलत चीजें तो नहीं लिखी हो सकती, है ना. इतने पुराने संत महात्मा ने इतना पढ़ाई लिखाई करके इसको पत्थर के ऊपर इनग्रेव किया और उसको गाड़ के रखा कि आगे की जनरेशन को अगर कोई ज्ञान चाहिए तो एमरल्ड टैबलेट पे बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है, यू नो, इस तरह की जो बहुत ही गूढ़ ज्ञान था उस टाइम का. सो उस पे लिखा हुआ ये, बाय दिस मीन्स यू विल एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड. So get ready for it. It will be fun, this journey. Okay? Giroge to lekin apne aap gratitude ka haath pakad ke ur jana. Bas itna hi. Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Yeah, how beautiful. Ye Rhonda Byrne ne hum logon ke liye intention diya hai. कि आपकी एक नई दुनिया खुलेगी जिसमें आप कभी प्रवेश नहीं किए. यू नेवर एंटर दैट वर्ल्ड बिफोर एंड इट विल ब्रिंग यू जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस. सो यू विल नो दैट व्हाट रियल हैप्पीनेस इज. रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, इट डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, राइट. सो इट कम्स फ्रॉम विद इन, सो दैट इज व्हाट इट इज. और ये उनका इंटेंशन है. तो जब भी किसी चीज को इंटेंशन से जोड़ देते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में. इंटेंशन देना मतलब अपनी GPS ऑन कर लेना अपनी गाड़ी में, ठीक है. ये इंटेंशन देना होता है. मतलब एक तो आप गाड़ी लेके निकल गए, अब आपको पता तो होना चाहिए ना डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है आपको. अगर मैं दिल्ली से निकलूंगी यहाँ पे, अगर मुझे पता है कि मुझे ग्रेटर कैलाश जाना है और ग्रेटर कैलाश में मुझे कौन सी जगह जानी है, ये मेरा इंटेंशन है ना. सो ये GPS है. आपको पता है आपकी डेस्टिनेशन, आपको क्या चाहिए. सो ये रोंडा बर्न की इंटेंशन है, दैट मे द मैजिक ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड फॉर यू एंड ब्रिंग यू जॉय फॉर योर एंटायर एग्जिस्टेंस. आप सब एक नई दुनिया में जाने के लिए, यू नो, जहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस, जॉय, विक्ट्री, सक्सेस, मनी, एक्सीलेंट हेल्थ, अमेजिंग रिलेशनशिप्स,
ओके, बहुत लोगों की सेवा करने के मौके, ये सब है और ये उनका इंटेंशन है हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए. एक्नॉलेजमेंट्स मतलब किन किन लोगों ने इनकी मदद की, आप ये चीज नोटिस करना इसमें कि जब वो अपने एक्नॉलेजमेंट्स दे रही हैं तो वो सबको रीजन बता रही हैं कि क्यों. जैसे मैं बोलूं थैंक यू प्रिया, सो थैंक यू प्रिया, प्रिया नेहरा को अगर मैं बात करूं सो आई विल से थैंक यू प्रिया फॉर मैनेजिंग द होल शो. सो यस्टरडे नाइट व्हेन आई वाज विशिंग माय सिस्टर अ बर्थडे एंड आई वाज टॉकिंग टू हर, शी वाज टेलिंग मी दैट प्रिया इज सो अमेजिंग एंड यू नो हाउ शी मैनेजेस द यूट्यूब और कितनी इतना सेल्फलेस कैसे कोई हो सकता है कि किसी और के लिए विश करे कि वो ग्रो करे और चैनल बहुत लोगों को पहुंचे और यू नो रोज इस तरह से वीडियोज डालना, वहां पोस्ट करना, उसके नीचे कैप्शन लिखना, सो ऑल दैट. पता नहीं वो कहते इतनी सेल्फलेसली, इतना सेल्फलेस कोई कैसे हो सकता है ना. तो व्हेन आई विल थैंक हर दैट दिस 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 इजंट इट. जैसे अगर आप मदर अर्थ को, इसमें हम ये सीखेंगे कि जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो उसको रीजन बता के बोलो. थैंक यू मदर अर्थ ऑल्सो अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे इतनी सुंदर सुंदर प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, इतने सुंदर कलर्स के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलती है जिसकी वजह से हम जिंदा है. थैंक यू मदर अर्थ की हमको इतनी लग्जरीज दे रखी है, जो घर में हमारा एसी और ये और वो, फ्रिज और यू नो लाइट्स, वो सब मदर अर्थ से ही निकला हुआ है. उनकी वजह से हम इतनी सुंदर सुंदर, हम क्यों ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल हम वर्ल्ड ट्रैवल इसीलिए करना चाहते हैं ना, हम सब लोग चाहेंगे वर्ल्ड ट्रैवल करना इसीलिए, सो दैट वी कैन अनरेवल द ब्यूटीफुल यू नो लाइक ब्यूटी ऑफ द मदर अर्थ, इजंट इट. मतलब सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर जगह जाना, सुंदर सुंदर नदियां देखना, सब अर्थ ने होल्ड किया हुआ है ना. तो हम रीजन बता, तो अभी एक्नॉलेजमेंट्स में हम यही सीखेंगे कि थैंक यू के साथ रीजन, ठीक है. हाँ जी, एक्नॉलेजमेंट्स. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then, gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gould, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to my editor, Cindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamus Orr and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jen Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up the photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Dawn Zeich, Mark O'Connor, Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Chai Lee, Peter Byrne, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publishers, Atria Books and Simone and Schuster, to Caroline Reddy, Judith Kerr, Darlene DeLillo, Twisner Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolde Sawyer. I'm blessed to have such an amazing team of people.
Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Velios for his spiritual guidance, love, and wisdom, to my sister Pauline Vernon, and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable, life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Yeah, so such a beautiful way of thanking people. Sabko reason pata pata ke that this was the reason. Unka support tha, unka enthusiasm bahut acha tha. मतलब सबको कवर किया इन्होंने अपने acknowledgements में. That means ये भी बोल रही है Albert Einstein की तरह that all my success rests on the shoulders of the giants, right? She is also saying that only that मेरी जो भी success है, जो भी creation है मेरी किताब का. Of course, first paragraph में इन्होंने ये लिखा है that मेरी journey solitary थी. I mean, she started on a very solitary note because she was alone. इनके मन में ये thought आया क्योंकि इन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था दैट आई वांट टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल एंड देन शी वाज मेडिटेटिंग एंड सडनली इनको ये हंच आया दैट आई रियली हैव टू डू लाइक ब्रिंग ग्रैटिट्यूड टू द वर्ल्ड. फिर इन्होंने ये किताब के बारे में सोचा. फिर इन्होंने अपनी बेटियों से डिस्कस किया. इनकी दो बेटियां हैं, उनसे इन्होंने डिस्कस किया. फिर इस तरह से क्रिएशन हुआ. सो और इतने सारे लोग इनकी सीक्रेट टीम में साथ थे. मतलब सीक्रेट मूवी बनी, फिर सीक्रेट किताब लिखी गई, उसके बाद मैजिक किताब लिखी गई, मैजिक के बाद पावर आई, पावर के बाद हीरो आई. ठीक है, तो इस तरह वो सिलसिला चलता ही गया. अभी लेटेस्ट बुक भी रिलीज हुई है. मे बी वो सेकेंड वाली जो बुक है वो हम वो ही करेंगे इसके बाद में. मतलब ये जब हमारी पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड खत्म हो जाएगी तो हम रोंडा बर्न की सिक्स्थ बुक जो रिलीज हुई है वो हम करेंगे इस बार. ठीक है, दैट इंटेंशन इज वेरी क्लियर. इसीलिए मैंने उसको जिस दिन वो रिलीज हुई थी तभी ऑर्डर कर दी थी. सो आई एम स्टिल रीडिंग दैट बुक ऑन द यू नो लाइक हार्ड कॉपी के फॉर्म में. इट्स अ ब्यूटिफुल बुक. सो इस तरह से इनकी ये जो टीम है ना, जो इन्होंने अभी इसमें लिखा हुआ है, दे आर द सेम पीपल हु बीन देयर फ्रॉम द सीक्रेट टाइम टिल नाउ. इमेजिन 2004 टिल 2023, इट्स बीन 19 ईयर्स. सेम टीम. So thankful she is, like gratitude के कारण इन लोगों का काम सबका बढ़ता जा रहा है और बहुत पैसा बना रहे हैं क्योंकि इनकी रॉयल्टी बहुत ज्यादा आती है. एंड इमेजिन हम अपनी इंडिया कंट्री में बैठ के पढ़ रहे हैं समथिंग दैट वॉज क्रिएटेड इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो दैट मीन्स दैट इनका जो इंटेंशन था कि ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड सबको पहुंचे, लेकिन ये काम तभी आपके हाथ में आएगा वेन यू हैव ईयर्स टू हियर एंड आईज टू सी. You know, मतलब जब आपकी आंखें और आपके कान सुनने को तैयार है. ये काम तभी आता है, तभी ग्रुप में इतने सारे लोग हैं बट लोगों की नींदें नहीं खुलेंगी सुबह. अगर वो चाहेंगे भी तो वो आ नहीं पाएंगे, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती रहेंगी क्योंकि अभी किस्मत बदलने का टाइम नहीं आया है. ठीक है, तो ये बुक आप अट्रैक्ट तभी करते हो जब आपका वक्त आ गया है, जब आपका टाइम आ गया है. नहीं तो आप चाह के भी नहीं कर पाओगे. इस तरह से होता है. सो इसीलिए लिखा हुआ है इसमें दैट इनडिफाइनेबल लाइफ चेंजिंग मोमेंट. मतलब जब आपका वो मोमेंट आता है ना, वो वक्त आता है कि अब आपकी जिंदगी बदलने का टाइम आ गया है, अपने आप ये मैजिक बुक आपके हाथ में आएगी. ठीक है, एंड व्हेन यू विल हैव द आईज टू सी एंड ईयर्स टू हियर. सो फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लॉक्ड इन राइट नाउ, ओके, फॉर ऑल ऑफ यू योर टाइम हैज कम दैट इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी दैट यू नीड टू राइट नाउ. Okay, and your life will never be the same again. Jo Hardaway ka song hai na, Tony Robbins ka, life is changing, life will never be the same again. So contents means these are the topics jo hum padhenge. Isme aap notice karna ki sare topic hai. Kehte hain life ek balance hoti hai. So aisa nahi hai ki suppose agar humko abhi health ke challenge chal rahe hain, theek hai, aur hum health ke liye karte rahe, baki cheezon ka kya? पैसे भी तो जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, करियर बहुत अच्छा भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है. जो लोग हमारे हेल्पर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं उनका भी हमारे लिए काम करना जरूरी है. तो आप देखना इन चैप्टर्स में हर चीज का बैलेंस है. हमको हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना होगा. तो ये बस चैप्टर्स के नाम है, कंटेंट्स. हाँ जी, या कंटेंट्स. डू यू बिलीव इन मैजिक? अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड.
bring the magic into your life, a magical book, day one. Count your blessings, day two, the magic rock, day three, magical relationships, day four, magical health, day five, magic money, day six, works like magic, day seven, the magical way out of negativity, day eight, the magic ingredient, day nine, the money magnet, day 10, magic dust everyone, day 11, a magic morning, day 12, magical people who made a difference, day 13, make all your wishes come true, day 14, have a magical day, day 15, magically heal your relationships, day 16, magic and miracles in health. Day 17, the magic check. Day 18, the magical to-do list. Day 19, magic footsteps. Day 20, heart magic. Day 21, magnificent outcomes. Day 22, before your very eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wand. Day 25, cue the magic. Day 26, magically transform mistakes into blessings. Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic. Your magical future. The magic never ends about Rhonda Byrne. Excerpt from The Secret. Excerpt from The Power. Do you believe in magic? पहले तो हर चीज कहते हैं ना कि faith और trust के साथ शुरू होती है. तो अगर faith और trust नहीं है तो हमारा, अगर आप magic में believe करते हो, कई लोग इतना ज्यादा कहते हैं ना, हमारे left and right brain होते हैं, left brain is very analytical, very logical, very reasonable. तो कई लोगों का वो वाला ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, तो वो बिलीव नहीं करते कि कुछ यू नो लाइक कुछ फोर्स ऑफ नेचर की वजह से भी कुछ हो सकता है, या जो भी रीजन है, दे डोंट बिलीव इन ऑल दैट. दे हर चीज में रीजन एंड लॉजिक ढूंढते हैं, बट नहीं. सो फिर नहीं होता ना, उनकी जिंदगी में मैजिक नहीं होंगे. तो आप फेथ के साथ ना कुछ चीजें ट्रस्ट करके यूनिवर्स पे छोड़ दो. बॉडी भी चल ही रही है ना, कहाँ से चल रही है? वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस या गॉड है, वही तो चला रहे हैं हमारी बॉडी. कैसे हमारी सांसें ऑटोमेटिक, हम ऐसे बैठ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हमारे सेल्स में जाके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, कैसे ऑक्सीजन एक एक सेल के अंदर घुस रही है, ब्लड कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है, हमको पता भी नहीं है ये सब हो रहा है. ठीक है, हो रहा है. ब्लड की स्पीड एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा होती है. आप देखो कि आप इनहेलेशन करते हो, एक्सहेलेशन करते हो, वही एयर जो अंदर जाती है वही सांस छोड़ देते हो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में. इस बीच आपका ब्लड सारे 100 ट्रिलियन सेल्स को ऑक्सीजन उसमें डाल के आ गया है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उठा के बाहर भी कर दी. तो देखो, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड भी नहीं लगता सांस अंदर ली और सांस छोड़ी. आप सोच सकते हो ब्लड की स्पीड किस तरह से चल रही है. यहाँ पे इतने ह्यूमन बींग्स को बैठ के बुलेट ट्रेन और जंबो जेट और ये सब बनाना पड़ रहा है ना, चंद्रयान बनाना पड़ रहा है कि स्पीड से चलेगा वो चलेगा. बॉडी के अंदर की स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा है ना, मतलब ब्लड की स्पीड है. कैसे चल रही है ये सारी चीजें, कैसे जंगल है, पेड़ है, पक्षी है, पशु पक्षी है, सब है आसपास. यू नो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. ऑक्सीजन का कभी खत्म ही नहीं हो रही, इतनी अबंडेंस में ऑक्सीजन है. सब कैसे हो रहा है? इट इज द गॉड हु इज रनिंग द होल शो एंड हु इज रनिंग आवर लाइफ ऑल्सो. लेकिन हम उनको रन करने की ताकत देते नहीं है क्योंकि हम बिलीव नहीं करते. इसलिए बहुत जरूरी है अपने कभी कभी ना लॉजिकल ब्रेन को शट डाउन मोड पे डाल दो. ठीक है, और अपने मैजिकल साइड जो है, बी एक्साइटेड फॉर अ ब्यूटिफुल लाइफ. अगर फेथ नहीं है तो कुछ नहीं है. ठीक है, तो इसमें रोंडा बॉय ने बहुत क्यूट तरीके से समझाया है डू यू बिलीव इन मैजिक करके. और इसमें देखो एक बहुत सुंदर सा दरवाजा बना हुआ है रोड पे, दोनों साइड पेड़ है, बड़े बड़े रोड है, बीच का रास्ता है, और उसमें एक डोर जैसा बना हुआ है जिसमें पूरा मतलब गोल्डन डोर है,
उसके पीछे एक रेनडियर नजर आ रहा है क्योंकि रेनडियर का कॉनोटेशन जादू के साथ है ना। रेनडियर का कैसे है, क्योंकि जो सांता क्लॉज का जो स्लेज होता था वो रेनडियर चलाते थे, तो सांता क्लॉज में हम बिलीव थोड़ी करते थे, लेकिन बचपन में तो बिलीव करते थे, तो हमको हर बार गिफ्ट मिलता था, इजंट इट? सो दैट इज हाउ इट वाज। सो या लेट्स रीड इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे शी इज पुट इट अप हियर। हां जी, या डू यू बिलीव इन मैजिक? Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, from 1916 to 1990, writer. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it. And he never let you down. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children. That everything is good, that everything every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as a children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you've seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then, you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. You may not see reindeer fly, but you will see things you've always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you've dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2,000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. Yeah, thank you so much, Neeti. We'll be able to read only so much today, and then we'll continue tomorrow. Thank you for reading so beautifully. So this is that magic of life ki reality ke baare mein bataya hai ki aap adults ho, hum sab mostly adults hai, bachche to hamare shaam wale sessions mein aate hain. ठीक है, एडल्टहुड में इतना बोझ हम अपनी पीठ पे कैरी करके रखते हैं, पीठ पे नहीं दिमाग में भी,
देखिए इतना बोझ रहता है कि हम पता नहीं कब बचपन से बच्चे से बड़े हो गए, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ चाइल्ड इनसाइड ईच वन ऑफ अस, हम सबके अंदर एक बच्चा है. कभी कभी हम क्रेजी क्रेजी चीजें भी करते हैं, मजा आता है, ठीक है. कभी कभी मन करता है झूम झूम के डांस करें, कभी मन करता है वो सब भूल गए हैं कि बारिश आती थी और जाके उसमें डांस करते थे, वो सब भूल गए हैं कि. तो अभी भी हम सब करते हैं, जो लोग हम वेकेशन बहुत लेते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हम बहुत टोटली बच्चे बन जाते हैं. तब हम ये देखते नहीं है कि हम अडल्ट हैं, हम क्या कर रहे हैं. आपको टेबल पे खड़े होके नाचना है, आप नाचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो बड़ी जजेस. बट वो बच्चा अंदर का जिंदा रखना बहुत जरूरी है जिंदगी भर, ठीक है. सो बचपन में इसमें बताया है कि जैसे सांता क्लॉज का पता था हमको, टूथ फेरी का पता था कि दांत टूटता है तो उसको रखने से उसको कोई गिफ्ट मिलता है, तब तो मिल जाता था क्योंकि जब ज्यादा दिमाग नहीं चलाते थे ना हम. उसके बाद हम बड़े हो गए एक दिन और हमको ज्यादा ही दिमाग आ गया, जरूरत से ज्यादा, ठीक है. और उस जरूरत से ज्यादा दिमाग को हम हर चीज में यूज करने लगे और जिंदगी की प्रॉब्लम्स वहां से शुरुआत हुई. सो इसका मतलब है प्रॉब्लम की शुरुआत ज्यादा दिमाग लगाने से हुई है. तो अपना दिमाग मत लगाओ, कभी कभी सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. आप अपने डिजायर पे, आप लाला लैंड में रहो, अपना ड्रीम जो भी आपका सपना है, वाह मजा आ जाए अगर ऐसा हो, या मजा आ जाए मतलब मैं इटली में स्ट्रीट पे खड़े होके पिज्जा खाऊं, बस मुझे वो चाहिए कि उनके जो फेवरेट वाले स्टोर में, व्हाट डू आई डू देयर. और यू वांट टू गो टू अ ब्यूटीफुल बीच ऑफ द वर्ल्ड, आप सोचोगे कितना मजा आएगा, मजा आ जाएगा वहां पे खड़े होके, वो जो हवा आएगी, एंड दैट व्यू ऑफ द सी, द वेव्स कमिंग अप एंड डाउन, इट विल बी ब्यूटीफुल, मजा आ जाएगा, सो थिंक मोर अबाउट दैट. थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपना परेशानी के मोड से हटा के, उस मोड को स्विच ऑफ करके आप लाला लैंड के मोड में चले जाओ और आप वो इमेजिन करो आप क्या क्या करोगे, ठीक है. सो हैविंग होप्स इज सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ. So yesterday, like in Buddhism, we have Gosho lectures and I had to take a Gosho lecture. तो मैंने पूरे गोशो को उसको अलाइन करके वो ऐसा बना दिया था, that made it very interesting. So हमारे mentor भी उसमें यही बता रहे थे that different paramitas था उसमें, paramita of happiness, paramita of eternity. तो मैं उसमें यही समझा रही थी कि इतने ज्यादा burdened हम लोग होते हैं तो हमारा वही शुरुआत उसी से होती है कि थोड़ा सा हम फ्यूचर प्रेजेंस में रहें, जो हमको बेंटिनो मसारो ने भी अपनी बुक सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग में बहुत अच्छे से समझाया था. सो ट्राई एंड हैव बिग होप्स, दिस इज व्हाट आई हैड टोल्ड यस्टरडे एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट टुडे. हैव लार्जर होप्स, बड़े कैनवस में अपनी जिंदगी देखो. ये रोजमर्रा के पचड़ों से अब निकलना पड़ेगा, ठीक है. बड़ी कैनवस पे पिक्चर देखो, दैट दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अचीव इन माई लाइफ. नो मैटर वेयर यू आर, डज नॉट मैटर, ड्रीम बिग. टेरी सेविल की किताब है ड्रीम बिग, अगर आपको दिक्कत आ रही है ना आप वो वाली किताब पढ़ लो कभी. आई एम श्योर वो ऑडियो बुक्स अवेलेबल होती है, नहीं तो किताब के एक्सर्प्ट हमको यूट्यूब पे मिल जाते हैं. सो टेरी सेविल, वन ऑफ माई गुड ऑथर्स, शी, सो उन्होंने ड्रीम बिग लिखा. ड्रीम बिग करो, लार्जर कैनवस पे पिक्चर देखो अपनी, छोटे छोटे पचड़ों से निकलो अब, ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डज नॉट मैटर अगर हमारे ड्रॉइंग रूम का एक कोना गंदा रह जाता है तो, ठीक है. डज नॉट मैटर उसमें अपनी जान लगाना और मतलब सारे ऐसे वर्ड्स एंड थॉट सोचना और ये सारी चीज, एंड एवरीथिंग गो स्पाइरलिंग डाउन. Okay, think of a larger picture, where you want to go, what kind of a house would you want to live in, what kind of a service to the world would you want to offer. Obviously, agar aap har mahine 50 lakh rupaye kama rahe ho, to agar aap kisi ko 5000 rupaye de rahe ho kisi old age home mein ya kisi ki education sponsor kar rahe ho, to fark padega hi nahi na, kyunki itna sara hai, kehte hai na jab suraj nikalta hai to sare stars ki roshni chup jati hai, theek hai, itni powerful hoti hai. So wohi aapke liye larger canvas hai. So do that and don't get so involved in small, small things that people might say, people might do. It really doesn't matter. You are the best in the universe and the most capable person ever. Okay. So on that note, tomorrow's session, we will start with I affirmations. I am affirmations. Okay. I'll just repeat and you will repeat in your mind or out loud after me. We'll do that. We'll start with that note. Oh, tomorrow, I'm sorry, I'll be at the airport day after tomorrow. Okay, so this is how we will need to start. But, think more about that. I am capable. I am really amazing as a person. I am the best. I'm super healthy. I'm capable of turning around things in my life to the best they could be.
I am the best. Okay, like this, you have to constantly for about 17 seconds to 2 minutes, keep talking like this to yourself. About you yourself, okay? And अपने अंदर का बच्चा मत मरने दो. अगर मर गया है ना तो हम वापस अभी जिंदा करेंगे, क्योंकि मैजिक तो उसी फेज में होता है जब आप बहुत खुशी के जोन में हो, एक्साइटेड हो, थ्रिल्ड हो. आपको पता है कि मुझे नेक्स्ट ये करना है, वो मेरा गोल है. छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, वो काम करो जो आपको अच्छे लगते हैं. मैंने एक टी शर्ट अभी ऑर्डर की है जिस पर लिखा हुआ है दैट डू ऑल द थिंग्स दैट यू रियली लव टू डू. Okay, so that is how you have to lead your life, and don't get caught up in all these life things. Sab kuch transitory hai. Transitory matlab changeable hai. Theek hai, sab aata jata hai. Koi bhi cheez tikti nahi hai. The only constant in life is that everything is always changing. This is the only constant of life. Theek hai, ek cheez sthir hai ki sab kuch lagatar badalta rehta hai. Jo aaj ka phase hai na, kal wo nahi hoga. Sab कुछ बहुत अच्छा होगा. बस जो लिखा है ना किताब में उसको पकड़ के रखो टाइट, उसको स्लिप मत होने दो. दैट इज व्हाट इट इज. और इसमें जो ऊपर एक कोट आया था वो मेरा अफर्मेशन भी है जो मैं रोज लिखती हूँ, दैट माई लाइफ इज ब्रेथ टेकिंग और इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग. ओके, एंड इट इज गेटिंग मोर एंड मोर ब्रेथ टेकिंग और इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग बाय डे एंड नाइट. दिस इज व्हाट आई राइट एवरी डे. एंड ये मेरी सेल्फ टॉक भी ऑटो सजेशन. So you will see that breathtaking is ki matlab heartbeat miss ho jati hai kabhi kabhi, itni achhi cheeze hoti hai, oh inspiring and super exciting. So exciting is the opposite of boring, by the way. Theek hai? So when you say that my life is so exciting, oh inspiring and breathtaking, you will see that your life becomes like that, right? And aise aise universe cheeze leke aapke samne aata hai, aapko maza aa jayega. So please start believing in magic. Agar aapka logical mind bhi hai, lekin agar aap already in session mein, iska matlab you want to really have the best from the life, right? And you will, I can assure you that. Okay, so aap dekhoge ki ab jitne bhi sapno mein aapne cheeze dekhi thi na, things that you dreamt for so long suddenly will start happening. Wo sab hone lagega, aapko lagega ye kaise ho gaya, is person ne aise kaise mere sath behave kar diya, aaj tak to isne mujhse theek se baat bhi nahi ki hai aur isne mere liye aisa kiya, mera birthday itna special kiya. ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि सब कुछ कैसे वीव टुगेदर हुआ का आपका आपका सपना पूरा हो गया. बिकॉज मैजिक वर्क्स इन द इनविजिबल रेल्म. ठीक है, ये अदृश्य फोर्स होता है, वो कभी दिखेगा भी नहीं. इसीलिए हाउ में जाना ही मत. जो जोन हमारे दिमाग का नहीं है, हाउ में अगर गए तो आप अलाउ नहीं करोगे. आप मतलब आपका दरवाजा नहीं खोलेगा आपके सपने की दुनिया के लिए. इसीलिए हाउ में कभी मत जाना. वाई में जाओ. वाई डू आई वॉन्ट टू डू वर्ल्ड ट्रैवल? बिकॉज मुझे बहुत नेचर पसंद है, मुझे अलग अलग देश की लैंग्वेज सीखना पसंद है, मुझे वहाँ का कल्चर से, कहते हैं ना रियल नॉलेज इज ओनली वेन यू आर देयर. सो मुझे वहाँ के कल्चर के बारे में यू नो इंट्रिकेटली करना है, सीखना है, मजे आते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना है, you know, all of that. So this is what. अपने why पे focus करो, how पे बिल्कुल मत करो. So are you ready to experience that magic? Get ready for the magic. उसके बाद exclamation mark लगाया हुआ है. So इसीलिए लिखा हुआ है, अब कल जो हम शुरू करेंगे that will be a great mysteries revealed. तो एक रहस्य है जो बहुत सालों तक रखा गया था, वो रिवील हुआ. उसके बाद हम सब ने उस रोड पे चलना शुरू किया, और किस तरह से हमारी जिंदगी भी एक चरम सीमा पे पहुंचेगी जहां पे भी हम जो भी हैं, अगर हमने असाइनमेंट्स अच्छे से किए. ठीक है, ये पूरी कहानी असाइनमेंट्स की होती है, और कोई वो नहीं है. आप कितना भी सोचो, कितना भी, बट डू द असाइनमेंट्स प्रॉपरली. सो लेट्स गो ऑन द अदर बुक, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, एंड दिस विल बी रेड बाय मीतू from Calcutta. And इसमें हम relationships का पढ़ रहे हैं, कैसे अपने रिश्ते बहुत amazing कर ले. ठीक है, तो हमने काफी कुछ already आधे chapter में पढ़ा है, लेकिन अगर कई लोग पहली बार attend कर रहे हैं तो कोई बात नहीं. ये book ऐसे लिखी हुई है कि आप जहां से भी शुरुआत करें ना, आपका बहुत मतलब बहुत powerful चीजें हैं. और ऐसा कुछ नहीं है कि पिछला chapter इससे linked है, वो इसे लिंग नहीं है, ये अलग चीज है. आज हमारा टॉपिक है द मीनिंग ऑफ लव इन हारमोनियस ह्यूमन रिलेशन, जो हमारे फीलिंग चार्ट में भी सबसे ऊपर है. ठीक है, लव मीन्स 700 की फ्रीक्वेंसी होती है ये. अगर आप लव वर्ड अपने उसमें, लाइक अगर आप ये भी बोलते हो ना, आई लव टू ट्रेवल द वर्ल्ड, आई लव शॉपिंग, ओके, आई लव बींग बाय द बीच, I love to eat a pizza. अगर आप love word किसी भी चीज के साथ attach कर देते हो, वो वैसे भी आपकी जिंदगी में attract होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये highest frequency का होता है ये वाला word. हाँ जी मीतू, please start reading.
Are you there on the call? I think she's not there. She is among the participants. Just checking. I'm just checking, ma'am. Okay. Yeah, she's among the participants. Hai to sahi wo. Hai? Acha, me too unmute karo fir. Ho sakta hai unse unmute nahi ho raha hoga. Chalo, Inder, aap tab tak padhna shuru karo, agar aap call pe ho to. I can read. Inder ji? Or anybody for that matter. Let's just I can read. Haan, please start reading. Should I? Yeah, the name's not reflecting. Main na wo wala Vittu Bhoja. Yeah, please. Whosoever said, can I read, please start reading. Yeah, thank you. The meaning of love in harmonious human relations. Sigmund Freud, the Austrian founder of psychoanalysis, said that unless the personality has love, it sickens and dies. Love includes understanding, goodwill, and respect for the divinity in the other person. The more love and good will you emanate and exude, the more comes back to you. If you puncture the other fellow's ego and wound his estimate of himself, you cannot gain his goodwill. Recognize that every man wants to be loved and appreciated and made to feel important in the world. Realize that the other man is conscious of his true worth and that, like yourself, he feels the dignity of being an expression of the one life principle animating all men. As you do this consciously and knowingly, you build the other person up and he returns your love and goodwill. So isme human relations ko sundar banane ka tarika hai that aap apne man mein thoughts, words and actions. Kai log hote hain man mein unka thoda katuta ka bhav hota hai, they don't like the other person, but on the face they will be very lovey-dovey that how are you, I missed you for so long and this, but in the mind they're thinking so negative about the other person, they don't even want to meet them. Right? That's not a good thing. So in your thoughts, words, and actions, accept people just the way they are. Okay? At least in your life, you build love and refrain from getting into that zone of, you know, criticism about them, I mean, for them. Or it could be jo galat aap unke baare mein soch rahe ho ki wo aise hain, wo waise dikhte hain, wo bahut hasti hai, wo bilkul nahi hasti hai, wo aise karti hai, wo waise, uska ye behavior acha nahi hai, wo late latif hai, wo waisi hai, wo waisi hai. Refrain from doing that. Okay, have love for the other person. It is not difficult because love will come naturally to us because wo sabse highest supreme universal force hota hai jo hamare har ek cell mein hai. Aur jab aap kisi se bahut, isiliye kehte hain na, have compassion. Always have compassion. We don't know what the other side of the story is. Hai na? Jaise koi rudely behave karta hai, pata nahi hai ki wo kitna baggage leke apni zindagi mein aaya yahan tak. Matlab, we will be amazed agar hum kabhi usse close hue aur humko pata lagega ki usne zindagi mein kya kya scale kiya hai. ठीक है, और हम उसके लिए इतना बुरा बुरा बोल रहे थे, उसके बाद सडनली क्योंकि हम में अच्छाई है तो हमें सडनली रियलाइज होता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था. ठीक है, रियलाइज होता है और फिर हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दें. तो इसीलिए हैविंग लव फॉर एवरीबॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ही आप नेगेटिव जोन में गए हो, आपका उनके साथ रिश्ता खराब हो जाएगा. और कभी भी किसी की ईगो, मतलब अप्रिशिएट पीपल फॉर हु दे आर, डोंट पंचर देयर ईगो इज व्हाट इट इज रिटन हियर. क्योंकि हर पर्सन को ये लगता है कि मैं बहुत वर्दी हूं. और लोगों को सेल्फ वर्थ इसीलिए नहीं होती है, अगर हम में से जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सेल्फ वर्थ के कारण कि हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते कि हम ये सब मतलब अमेजिंग चीजें रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वर्थ किसी ने पंचर की है. क्योंकि जब बच्चे पैदा हुए थे तब हमें नहीं पता था, तब हम बहुत ही फुल ऑन, मतलब बिल्कुल जैसे मैं तो सुपरमैन हूँ, वो पैंट के ऊपर से चड्डी पहन के भी घूमते थे. ठीक है, अपने आप को समझते ही थे सुपरमैन, वो केप लगा देते थे मम्मी की चुन्नी या कोई भी ऐसी चीजें, एंड वी वुड जस्ट गेट अराउंड देयर, यू नो, वी नेवर थॉट दैट वी आर एनी लेस देन एनीवन एल्स. उसके बाद हमने स्कूल जाना शुरू किया, वहां पे हमारा रैंक आता था 15-20, टीचर डांटती थी, फिर पता लगा था नहीं नहीं मैं लोगों से कम हूँ, यू नो, मतलब मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट द बेस्ट.
और वो सेल्फ वर्थ का जो ठप्पा हमारा कम होना शुरू हो जाता है, वो फिर जिंदगी भर चलता रहता है क्योंकि वो इम्प्लांट हो गया हमारे सबकॉन्शियस में, है ना। इसलिए एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे दैट वी लव एवरीबॉडी। सो माय मेंटर ऑलवेज सेज दैट इट इज नॉट दैट यू हैव टू टॉलरेट एवरीवन, इनफैक्ट फ्रॉम टॉलरेशन इट्स लाइक यू आर टॉलरेटिंग, यू डोंट हैव टू टॉलरेट पीपल, यू हैव टू लव देम, you know. So you have to scale that journey from tolerating people to actually finally loving them, and that will come when we have a heart of love and gratitude. When we have a heart of appreciation and gratitude, humko dikkat nahi hogi logon ko accept karne mein just the way they are, hai na. So isi tarike se humko aage badhna hai, isme yehi likha hua hai ki yehi true worth hoti hai. Yeah, please कंटिन्यू रीडिंग। दिस इज अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इसमें बहुत सारे लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस हैं, हम वो पढ़ते हैं ये वाला। हाँ जी। He hated audiences. An actor told me that the audience booed and hissed him on his first appearance on the stage. He added that the play was badly written and that undoubtedly he did not play a good role. He admitted openly to me that for months afterward he hated audiences. He called them dopes, dummies, stupid, ignorant, gullible, etc. He quit the stage in disgust and went to work in a drugstore for a year. One day, a friend invited him to hear a lecture in Town Hall, New York City, on how to get along with ourselves. This lecture changed his life. He went back to the stage and began to pray sincerely for the audience and himself. He poured out love and goodwill every night before appearing on the stage. He made it a habit to claim that the peace of God filled the hearts of all present and that all present were lifted up and inspired. During each performance, he sent out love vibrations to the audience. Today, he's a great actor and he loves and respects people. His goodwill and esteem are transmitted to others and felt by them. Yeah, this is such a cute and a very real life example. In fact, jo Rhonda Byrne ki ye wali magic of gratitude hai, iske baad wali jo book hai, matlab gratitude ki kadam pe rakh ke hi aap love tak ja sakte ho. So the power of love hai. सो द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है सेकेंड बुक उनकी, और फिर उसके बाद पावर ऑफ लव है, और उसमें लव के मायने ही अलग है। अभी तक लव हम हमेशा कॉनोटेशन में यूज करते हैं व्हेन वी फॉल इन लव विद यू नो सेंसुअल सेक्सुअल पार्टनर या जो भी है, इट्स नॉट दैट लव। ओके, लव मीन्स ऑल टुगेदर, लाइक आई लव द यूनिवर्स, लाइक आई लव टू ईट फूड, आई लव यूजिंग द वर्ड लव मोर एंड मोर इन टू योर लाइफ। और उसमें फिर हमको एक असाइनमेंट दिया हुआ था, उसमें एज सच रेगुलर असाइनमेंट्स नहीं है, जो मैं अभी भी करती हूँ वीकेंड्स पे, उसमें हमको पावर ऑफ लव में मिला हुआ था दैट हर मंथ के स्टार्ट पे जो आपका फर्स्ट होता है या फर्स्ट संडे या जो भी है महीने का, उसमें आप सारी वो चीजें लिखो जो आप लव करते हो। Like I love traveling, I love to be my perfect body weight, I love enjoying my best of health, I love my immune system, I love the beaches, I love flying in first class, I love wearing good dresses, I love shopping, I love to bring a lot of happiness on everybody's face, I love to help people. So usme humko har first weekend, matlab weekend pe to main likhti hu, lekin usme likha tha at the beginning of every month you make a list of all the things that you love and you will see that aap unko attract karna shuru karoge. To wo wali practice humne power book kafi pehle ki thi, to wo abhi bhi ikigai ke pehle ki thi, uske baad ikigai ki, uske baad hum power of the subconscious mind kar rahe. So usmein I still do that exercise even now that I love. So use the love more in your life. Jaise hi wo love word bhi aap use karoge na, uske wajah se aapki body vibration frequency energy level pe quantum level pe changes aane shuru ho jate hain, aur usko hum quantum physics bolte hain. To wo koi supernatural cheez nahi hai, theek hai, it's a science. Quantum physics is what it is called. That means physiologically आपकी बॉडी में बदलाव आने लग जाता है जैसे ही आप मतलब सो अगर आप किसी पर्सन को बहुत हेट्रेड में हो सपोज किसी के लिए क्योंकि उसने आपका बहुत अच्छा नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए आप ये वर्ड, अब उसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे एरियाज हैं जो खुल नहीं रहे, सो आपको उस पर्सन के साथ लव वर्ड को अटैच करना पड़ेगा।
So I love so and so, I love so and so, I love so and so. Like a parrot, you can repeat it. Agar aapko koi cheeze yaad hai jo usne kabhi aapke liye ki hai. So I love that this is happening. And then that happened. Then, you know, I love that so and so celebrated my birthday with so pomp and show. I'm so, you know, like I love the feeling of this. I love the feeling of that. So you have to keep doing it. Aur dheere dheere, at least aapka jo roadblock tha, wo aapka khulna shuru ho jayega. ठीक है. अब उस पर्सन का जो है सो है, डेफिनेटली उनको तो हम ब्लेस करेंगे क्योंकि हम बहुत अच्छे इंसान बन चुके हैं अभी तक, है ना. वी आर स्टिल इन मेकिंग दो एंड लेकिन आप देखना कि आपके कितने रास्ते खुलते हैं उसकी वजह से. सो इसीलिए यूजिंग लव मोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स हाउ मच वील बी एबल टू रीड टूडे. एंड थैंक यू सो मच रितु फॉर बेलिंग अस आउट. लास्ट मोमेंट कॉल थी आपकी रीड करने की. और कल हम पढ़ेंगे हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल, क्योंकि ये सिचुएशन हम सब इसमें लो हो जाते हैं, यू नो, जब बहुत डिफिकल्ट लोग हैं. सो समटाइम्स यू फाइंड समवन्स बिहेवियर वेरी डिफिकल्ट. आप कितना भी अपनी तरफ से एफर्ट करते हो, यू नो दैट दैट पर्सन इज नॉट कोऑपरेटिंग विद व्हाट यू आर फीलिंग और इन इन थॉट्स वर्ड्स और एक्शंस व्हिचएवर वे, एंड यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट क्योंकि आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रहे हो. बट देन वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल विद ईज, ठीक है, बाय विदाउट लेटिंग आर वाइब्रेशन गो डाउन एंड विदाउट अस, यू नो, चेंजिंग अ फीलिंग फ्रॉम लव टू डिसगस्ट. वी डोंट हैव टू डू दैट एवर. So this is what it is. So it's all about relationships. So send out love. Is person ka jo bataya tha, isko stage se itna zyada fear tha. बहुत हेट करता था ऑडियंस को, बोलता था अरे ऑडियंस तो ऐसे ही होते हैं, उनको ट्रू वर्थ ही नहीं है, उनको काम ही नहीं समझ आता. एंड ही स्टार्टेड हेटिंग हिज ऑडियंस, ठीक है, बिकॉज वो लोग जो भी उसको वो करते थे, हूटिंग करते थे जब ये स्टेज पे परफॉर्म करता था, जिसकी वजह से और वो बढ़ता गया क्योंकि वो एनर्जी तो बहुत नेगेटिव होती है ना. तो वो और बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जो रेडिएट कर रहे हो अपनी जिंदगी से वो आपको वापस मिल रहा है. दैट्स वेरी वेरी क्लियर. इसीलिए कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है. अपना दिमाग ठीक करो, वर्क ऑन योरसेल्फ. ओके, सो नाउ दैट पर्सन, बिकॉज ही वाज हेटिंग द ऑडियंस, वो हेटिंग हिम, ही गॉट द सेम वाइब्रेशन फ्रॉम देम ऑल्सो. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसको उसने छोड़ ही दिया ये. और एक साल से वो ड्रग स्टोर में काम कर रहा था, ठीक है, ड्रग स्टोर में काम कर किया उसने. तो एक दिन किसी ने बताया दैट अपने आप से रिलेशनशिप कैसे चेंज करनी है, उसका कोई सेमिनार था, ठीक है. तो वो सेमिनार अटेंड करने गया, वहां पे उसकी टोटली थॉट प्रोसेस चेंज हुआ और उसने बार बार ये बोलना शुरू किया अपने आप को, आई लव द ऑडियंस, आई रियली लव देम, यू नो, उस इमेजिन करना शुरू किया सोने के पहले कि उनकी अप्लॉज और कैसे वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, कैसे वो तारीफ कर रहे हैं और कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. तो उसका टोटली थॉट प्रोसेस चेंज हो गया. ही स्टार्टेड रेडिएटिंग लव, पीस, हार्मनी एंड गुडविल टू हिज ऑडियंस. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ही वंस अगेन लेफ्ट द ड्रग स्टोर एंड केम बैक ऑन द स्टेज. और उसकी वजह से उसकी जिंदगी चेंज होती गई, ठीक है. एंड टुडे आज वो बहुत ग्रेट एक्टर है एंड ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स पीपल. तो उसकी जो गुडविल जो उसने अपनी जिंदगी से रेडिएट की है, वो एनर्जी के रूप में ट्रांसमिट हुई दूसरे पर्सन को एंड उन्होंने फील की और उन्होंने वापस रिस्पॉन्ड किया. तो जो एनर्जी आप किसी के लिए छोड़ते हो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती है, ये हमेशा ध्यान रखना. एंड सो दैट्स व्हाई वी आर ऑल, ये पूरी जर्नी जो दोनों किताबों की है, दिस इज वर्किंग ऑन आवर सेल्फ. वी नेवर वर्क ऑन अदर्स. हाँ, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर सेल्फ, यू विल सी द अदर पर्सन बिहेवियर एंड एक्ट चेंजिंग टूवर्ड्स यू और पूरी सिचुएशन विल ट्रांसफॉर्म, है ना. क्योंकि एनर्जी चेंज करनी जरूरी है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, राइट. सो वी विल ट्रांसफॉर्म द एनर्जी, वी विल नॉट क्रिएट द एनर्जी. बट साथ में ये ध्यान रखना, कंप्लेनिंग मोड को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे हटा दो किसी भी चीज के लिए, ठीक है. कोई बात नहीं, कभी कभी आ जाती है कंप्लेन, बट उसमें भी लाइफ लाइन है. जैसे आपने जैसे ही बोला आज बहुत गर्मी है, बहुत पसीने आ रहे हैं, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है, बट आई रियली लव द रेन्स, यू नो, बस. तो अब आपका वो कवर अप सेंटेंस भी साथ में आ गया है. अब उसका नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आपने इमिजिएटली उसमें मिट्टी पा दी है, ठीक है. सो दैट्स हाउ वी नीड टू काइंड ऑफ, सो डोंट स्टे इन अ नेगेटिव जोन फॉर लॉन्ग. इट विल कम टू अस, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट. इट विल कम, पीपल विल येल एंड हमको भी गुस्सा आएगा, हम रिटॉर्ट करेंगे, इट विल हैपन, ऑल दिस इज वेरी ह्यूमन, ओके. बट
डोंट गिव एनी एयर टाइम टू दैट नेगेटिव फीलिंग. उस जोन में मत रहो, बिकॉज 17 सेकेंड में आपकी बॉडी में मोमेंटम बिल्ड हो जाता है और आपको आउटसाइड सर्कमस्टांसेस अपने मूड के हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे. तो 17 सेकेंड भी नहीं देना है हमको नेगेटिव जोन में. सो डोंट गिव इवन 17 सेकेंड एयर टाइम टू अ नेगेटिव जोन. इमिजिएटली कवर अप बाय अ थैंक यू इन योर माइंड और समथिंग जस्ट लाइक दैट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बस ठीक है. इट्स नॉट इवन अ रॉकेट साइंस. दे आर वेरी बेसिक सिंपल tools, you know, that we can adopt. And this is how we have to move forward, because after all, the most important person is I, me, myself. It is that one you who's the center of the universe. So make yourself and never be in the victim mode. Okay. So remember one thing very important is that complainers cannot be creators and creators cannot be complainers. Okay. Always remember. And we are in the journey of creating a beautiful life. I will always be there with you. We have a whole team of people working. अगर आप लोगों को कभी कोई ऐसे down moment आते हैं या कुछ आता है, this Priya and this Poonam and Anuradha, you can just speak to any one of us. We will try and uplift you. Okay? But don't become dependent on us. Okay? You have to discover your path and you have to learn to walk on your own. Whether आप जहाँ पे भी हो सकता है जिंदगी अभी बहुत difficult moment पे है आपकी जिंदगी में, but whether you crawl, whether you walk, whether you run, but you're moving forward, right? So it's okay to crawl sometimes also. There are moments when there is something we are not able to run in our life, right? So crawl that time. At least you're moving forward. राइट. सो अपना पाथ डिस्कवर करो. बहुत सब कुछ हमको सारे टूल्स टेक्निक्स एफर्मेशंस सब कुछ मिलते हैं ठीक है इन इन सारे चैप्टर्स में. मैजिक बुक तो खैर कमाल की है, तो वो सब मिलेंगे. उन सबको यूज करो. जैसे अगर हेल्थ का कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, आप खुद उस किताब का पीडीएफ खोलो और आप हेल्थ वाला चैप्टर दोबारा पढ़ो, उसको खुद समझो इंटेंटली और फिर वो असाइनमेंट रोज करो, क्योंकि आपका हेल्थ का चैलेंज आ रहा है ठीक है. हम तो बता ही देंगे आपको, लेकिन जब खुद करते हैं ना, मुझे किसने सिखाया पढ़ाया, डेफिनेटली मेंटर्स हैं ठीक है, बट उन मेंटर्स ने तो बहुत हजारों लोगों को पढ़ाया लिखाया है. मतलब टोनी रॉबिन्स की क्लास में तो 10 मिलियन लोग होते हैं, नॉट इवन 1 मिलियन तो 10 मिलियन लोग होते हैं. तो आप अप्रोच भी नहीं कर सकते उनको कि मेरे लाइफ में ही प्रॉब्लम आ रही है, बताओ ना. खुद जब डिस्कवर करते हैं ना, तो कल यही मुझे कोई बता रहा था कि आपके गोशो लेक्चर्स ऐसे होते हैं जैसे मेस्मराइजिंग, ऐसे लगता है कि मतलब बस सुनते जाओ और पता ही नहीं लगता 1.5 घंटा कैसे खत्म हो गया है. तो मैं उनको यही बोल रही थी कि ये इसीलिए हुआ है कि मैंने जिंदगी में इतने धक्के खाए ना, और मैं हमेशा अपने बल पे वापस उठी हूँ और फिर मैंने अपने आप को मतलब उसके बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया है, खुद किया है. तो जैसे विजय जी ने मुझे बर्थडे विश में कहा था ना, दैट यू आर सच अ सेल्फ मेड पर्सन. सो आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन. आई हैव नेवर टेकन हेल्प फ्रॉम एनीबडी. ऑफ कोर्स उनके गाइडेंसेस हमेशा मुझे हेल्प किए अपने सारे मेंटर्स के ठीक है, लेकिन उसी तरीके से हमको भी आ गया. अगर कभी भी आप लुढ़कते फुड़कते हो, इमिजिएटली वो चैप्टर खोलो. वर्क में प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, गो बैक टू चैप्टर नंबर 6 वर्क्स लाइक मैजिक. पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है उसमें ठीक है. 50 कंप्लेन हमने ऑफिस के लिए की है, कोवर्कर्स के लिए की है, किसी चीज के लिए, सैलरी के लिए की है, फिर हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, है ना. हमको वापस अपनी अपना हमको वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा बाय रीडिंग दैट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग एंड छोटी छोटी चीजों के लिए अपने ऑफिस के लिए थैंक यू बोलो. तो हम सब ने, सो यू कैन नॉट क्रिएट इफ योर कंप्लेनर्स. कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट. कंप्लेनर्स आर नॉट क्रिएटर्स एंड क्रिएटर्स आर नॉट कंप्लेनर्स. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो वी लिव इन अ हैप्पी जोन, बच्चे की तरह मजे से. आई यूज दिस एफर्मेशन, आई हैव फन वेर एवर आई गो एंड वट एवर आई डू. ये मेरी एफर्मेशन है ठीक है. अगर आपको ये करनी है तो आप ये कर सकते हो. धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर विश्वास करने लग जाएगा, और जब आप अपना राजमा चावल भी बना रहे हो ना, उसमें जो आपको मजा आएगा आप सोच भी नहीं सकते. सो आई हैव फन वेर एवर आई गो एंड वट एवर आई डू. ओके, दिस इज द एफर्मेशन. तो अगर मुझे ऑफिस में कोई काम भी ऐसा आता है जो थोड़ा सा हैवी है, बर्डनड है या कुछ है ठीक है, तो पता नहीं somehow मुझे वो करने में मजा आता है, और मुझे कहीं से कोई एड मिल जाती है, कुछ कंटेंट मिल जाता है, कोई क्यूज मिल जाते हैं कि इसको इस तरह से कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ लाइफ गोज, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑलवेज, यू नो, इट हैज योर बैक. मतलब हमेशा वो सपोर्ट है, आपका बैकबोन ही है, यूनिवर्सल फोर्स है. जब यूनिवर्सल फोर्स को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लोगे ना, तो लाइफ में कभी आपको मुड़के भी नहीं देखना पड़ेगा.
You know, so that is the way to move forward. And lots of love. And I really want to thank you all for getting up in the morning and coming on the sessions and giving so much meaning to the group, you know, supporting each other. So me and my sister were talking yesterday, and we were actually discussing this only that, you know, how first we were talking about Priya, that how selfless she is, and, you know, how all of us are encouraging everyone all the time, which is so beautiful. कहती कौन आज की दुनिया में सब इतने consumed होते हैं अपनी चीजों से, तो किसी और के लिए कुछ करना और सोचना, उसको cheer up करना, उनका हाथ उठा के उनको वापस चलाना जब वो गिर जाते हैं. कहती कोई नहीं करता. कहती इस group में मैं इतना camaraderie और इतनी harmony and goodwill देखती हूँ that sometimes it touches me so much. And that's what I want to thank you for, because everything that we were discussing is true. It's like you guys are amazing people. And thank you so much for everything and making that effort of letting people join with the intention that unki life bhi badle. Aap sab apne family, friends, un logon ko aage extend karte ho ye group ka link aur unko bolte ho suno, you know, like badlo. Ye agar heart hai aapka ki kisi aur ki zindagi jab aapki wajah se badalti hai, you know, to bahut zyada aapki zindagi mein changes aate hai, you know. And that is what kal ke goshon mein bhi humne padha tha. That जब तक आप वो आप चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स नहीं बनते हो किसी के लिए, तब तक लाइफ बहुत तेज मूव नहीं होती है. जैसे ही आप चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बनते हो किसी और की जिंदगी के लिए, वैसे ही आपकी लाइफ का मोमेंटम बहुत टॉप स्पीड पे चलने लग जाता है ना. बिकॉज यू आर द चोजन वंस, यू नो, हुम यूनिवर्स हैज चोजन टू बी द एमिसरीज फॉर अदर पीपल. कहते हैं ना कि एंजल्स होते हैं. सो all of y'all are the angels. Through you, you know, others' lives are changing. Firstly, your core family. Firstly, your core self. Then your core family. Then your extended family. Then your community of friends. And of course, like nation or whatever. Jo bhi aapka large picture goal hai. Hai na? That is how it is. So we want India to become that kind of a country. I was just reading that Instagram, this thing today, koi Hindu-Muslim rift ke baare mein baat kar raha tha, toh mujhe lag raha tha, oh God, Deepti, you really need to do a lot. You know, still people are talking this bullshit, you know, and thinking, I mean, who cares? Like, you know, people are fighting about gods. You've not even seen them. We don't even know, okay? You're fighting about something, fighting about religions. You know, log boundaries dissipate kar rahe hain aajkal. Boundaries kya? Humko yahan se kisi aur country jana hai. You just have to book your ticket. You want to go to Malaysia right now, you just have to book your ticket. Wo visa on arrival mil jayega wahan. Log boundaries dissolve kar rahe hain. Us duniya ko ek bana rahe hain. Aur yahan pe hum boundary pe lakeere khinche ja rahe hain ki ye meri boundary hai, ye mera ye mera wo, meri country, mera whatever. Accept others just the way they are all same. Jab covid hua to dekha tha na humne, puri duniya ki ek hi problem thi, puri duniya ko ek hi solution chahiye tha, aur puri duniya ki prayer bhi ek hi thi, same prayer. God humko us mukam tak leke aaye ki abhi to jago, matlab abhi bhi tum log nahi jaag rahe ho, abhi bhi mera desh, mera ye, mera wo, mera ye, mera ye, yahi sab chal raha hai. Theek hai, puri imagine aisa kabhi mauka aa sakta hai ki puri duniya mein sabki ek hi prayer hai कि कोविड चला जाए, बस सबको अच्छी हेल्थ मिल जाए. सारे लोगों की एक ही प्रॉब्लम थी कोविड से लड़ना, है ना. पूरी दुनिया की कोई कंट्री ऐसा नहीं था कि जिसमें ये वाली प्रेयर नहीं हो और ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो. फिर भी हम सीखे नहीं है ना, इतने ढीठ है. सो धीरे धीरे सीखेंगे. सीखेंगे और अपने आप को एज अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग लोगों के लिए यूज करेंगे अपने तरीके से, बाय जस्ट चेंजिंग द लाइफ ऑफ द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ यू. Just that one person. Kehte na, one is the mother of 10,000. So when you change the life of that one person in front of you, see, that energy will come back to your life in a very huge way. We don't know, because magic happens in the invisible realm. Dikhega nahi, lekin hoga. Aur fir aapko lagega, wah. Then enjoy the journey of life. It is beautiful. Okay? And it's meant for you. Like Bentinho Massaro bolte hai na, the first sentence, you are born to lead an epic life. Rhonda Byrne bolti hai, you are born to lead an amazing life. Right? You're not born to live in poverty, lack, deficiencies of something, ill health. You're not born to live on that. And we will not let you. Okay? But the only thing you need to do is that you need to be regular and consistent with the books, because this is what is teaching us and shaping us to be a different kind of a person and to have a different kind of a life that we only thought in our mind, but we never thought that we are worthy of receiving it. But now we will. And we have to. I mean, I don't give you a choice. I don't give myself a choice either. Right? So thank you so much. Anyone wants to share? Okay, Renu, please share. Your hand has been raised for a while. I think jab session shuru hua tha tab se.
You'll have to unmute and talk. Yes, good morning. Good morning. Can we have your cameras on? Yeah. Yeah. आपको कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना है इसके लिए. डिपॉजिट आपको बस यही करना है कि आप कंसिस्टेंट रहो प्रैक्टिस में. आपने अगर प्रैक्टिस पूरी 28 दिन की कर ली, वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है. उससे बड़ा कोई इनाम नहीं. अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो आप 28 असाइनमेंट्स कर लेना, ठीक है? और आपने इतने सारे लोगों के साथ डिक्लेयर किया है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो इसका मतलब है दैट यू हैव डिक्लेयर्ड इट टू द यूनिवर्स, राइट? बोल के इसीलिए मैंने कहा पहले बोल, कभी मतलब की हूं पर कभी कंटिन्यू नहीं हुई हूं. हां, होता है कभी. ब्लेसिंग्स ऑन ऑल मी, इसीलिए मैं कहा आपसे पहले बोल दूं. आप अपना समय खुद क्रिएट करो, समय अपने आप ही क्रिएट होता है. आपका वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट आज से शुरू हो गया है. थैंक यू दीस. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू विद द मोस्ट अमेजिंग लाइफ ऑफ योर ड्रीम. थैंक यू दीस एंड बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग दीप्ति मैम. गुड मॉर्निंग संध्या दिस साइड. ओके, हाय संध्या, हाउ आर यू मैम? Awesome. one more sharing from my side and I'm very happy. Group में किसी ने पहले भी share किया था eyesight के लिए कि किसी के eyesight जो है वो पहले से number कम हुआ है. और अभी recently मैंने checkup कराया, मेरा अधूर और पास दोनों का number था, तो जो मेरा अधूर का number है वो बराबर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया. पास का number है गया अभी. तो आपने जो मुझे बताया था, मैं basically diary में इसके लिए लिख रही थी बार बार, thank you for my perfect eyes, thank you for my six by six vision. So because of that, एक नंबर मेरा खत्म हो गया. It is amazing. Congratulations. और ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बचपन से प्रोग्रामिंग ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो रीडिंग ग्लास का चश्मा का नंबर बढ़ता जाता है, और यहाँ पे सबके चश्मे के नंबर कम ही होते जा रहे हैं. So, मैं तो पहन भी नहीं रही हूँ. मतलब कहाँ मैं पहले बिना चश्मे के मैनेज नहीं कर पाती थी, अब चश्मा पहनना ही नहीं पड़ता. वी आर रीडिंग द बुक विदाउट द स्पेक्स, सो दिस इज द ब्यूटी. बट मैंने अपना विजन का अपने ड्रीम लिस्ट में भी डाला हुआ था, जो हम 10 की ड्रीम लिस्ट बनाते हैं ना चैप्टर 13 में. सो उसमें मैंने ये डाला था दैट माई विजन इज यू नो गेटिंग बेटर एंड बेटर. आई विल बी टू रीड इवन द स्मॉल सेंटेंसेस विद ईज. So that's how I have, and I did the water therapy, like water, whenever I drank water, I would say thank you for my perfect vision, and I'm able to read even the small words with ease. So that's what I had done. Uske karan mera vision better hua. So yeah, very good. Good that you shared this today, because there are so many of them who might be struggling with reading without the glasses, without reading glasses. Thank you so much. Yes, ma'am. Even food ka bhi pehle yaad nahi rehta tha, to say thank you for formats and all. But now it is done. Okay. Excellent, Sandhya. Thank you and wish you the best of the vision and health always. Thank you. Bye-bye then. Ma'am, and count my blessings. Have a beautiful week. Hanji. Ma'am, and I count my blessings. Like sometimes, every time, like we are repeating, because it's like if I write on health and, you know, Mother Earth and all. So it is okay if we are repeating every day. Of course it is. Like, it is about the gratitude. It's about energy. It is not about the words. Okay. It's always about energy. So you can repeat it. Like for my mom and dad, I repeat every day. For my health, I repeat every day. You know, but haan, work maybe aap alag-alag cheez nikal sakte ho. Jaise if you're writing about the Mother Earth today, so one day you'll write that thank you for showing me the beauty of the Mother Earth. I'm definitely aapke vacations pe to gaye hoge aur wahan pe aapne bahut hi pristine beauty dekhi hogi Earth has to offer for you. Aur aapko dekh ke wow feeling aayi. Suppose aap pahadon pe gaye, so you can say that thank you Mother Earth for showing me the beauty of the nature because I love nature. You know, ya fir aap sea beach pe gaye ho aur wahan pe you're seeing the beauty of the nature. फिर मदर अर्थ से आपको खाना मिलता है. सपोज आपका फेवरेट फूड है जो भी है, सपोज छोले भटूरे, दोनों चीजें मदर अर्थ से आती है. सो समटाइम्स यू कैन राइट दैट थैंक यू फॉर गिविंग मी सच टेस्टी फूड ऑन माई प्लेट एवरी डे.
यू नो फिर उसके बाद समटाइम्स यू कैन से दैट थैंक यू फॉर हैविंग सो मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स यू नो विच एड सो मच कलर एंड वाइब्रेंसी टू द आईज एंड टू द लाइफ कभी कभी आप लिख दो दैट थैंक यू फॉर द ग्रीन ग्रास ऑन द मदर अर्थ ऑन विच आई लव वॉकिंग एंड द ग्रास इज ऑलवेज सो गुड then sometimes you can write that you know for bearing all the fruits and vegetables that you have already, love having mangoes and thank you mother earth for giving me mangoes because I love eating them sometimes you can say that plants message oxygen nikal rahi hai because of that you're alive yeah. and you're breathing in oxygen and then fir isi tarah sun ka fir ha isi tarah sun se bhi alag alag light aati hai roz subah sun consistently yeah. aata hai aap consistency yeah. seekhte ho science se that how you should okay. be regular हम भी तो इस सुबह सुबह कई बार हमारी नींद नहीं खुल पाती है बट सन को देखो रोज निकलते हैं विदाउट फेल यू नो हम नहीं निकल पाते विदाउट फेल स्लीप इमेजिन इफ द सन स्लीप्स या तो मैम ये तो बहुत ज्यादा बन जाते हैं लाइक अगर अपने एक एक करके एयर बिकॉज यू वांट टू डू फॉर दीज एवरी डे तो फिर बिसाइड दैट देन रिलेशंस देन योर वर्क एंड एवरीथिंग सो दैट गोज बियॉन्ड 10 सो इज इट ओके नहीं तो एक नंबर इसमें 10 तो नहीं इंपॉर्टेंट इट्स नॉट रियली देयर इज नो सेट पैटर्न रोंडा बर्न इज गिवन इट जस्ट सेज दैट यू हैव टू स्टार्ट बिकॉज सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो एनर्जी होती है जो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है सुबह की सो वी जस्ट वांट टू कैप्चर दैट एंड मर्ज इट विद आवर ग्रेटिट्यूड नो मैटर फॉर व्हाट इट इज It is thank you निकल रहा है ना यही बहुत बड़ी बात है कि आप सुबह उठ के 10 लिख रहे हो and really appreciate you for that okay so it's okay you want to repeat you want to write different it is totally your call and ma'am ये जो अपने बच्चों के लिए like yesterday तो वो सब वो एक अलग करना पड़ेगा ना like every day हाँ वो तो हाँ वो तो definitely मतलब वो that is more futuristic that's creation mode के लिए So which I always say that use your creative brain more. So you know, like वो सारी चीजें अलग-अलग लोगों के लिए जो आप लिखते हो अपने बच्चों के लिए लिखना है वो creation के लिए होगा. You can write it for your mother. You can write it for your father. You can write for your mom-in-law. So that's using the creation mode. That what you want to see in them. Yeah. Okay. So thanks. So I had read it as an example yesterday. No, this is the reason. Like whenever I achieve anything, and then I share with you that what practice did I do, and precisely what did I write. So yesterday I read one. Yesterday is this thing for you. कल जो मैंने लिखा था वो मैंने आपके लिए पढ़ा था अपने बेटे के लिए. So people who were not there yesterday can go back to the YouTube. I shared my son's victory. And which was a huge victory. और मैंने ये भी बताया था कि मैं क्या क्या उनकी blessings लिखती हूँ अपने बेटे का नाम लेके क्या blessings लिखती हूँ So उससे हमको एक दूसरे से हम सीखते हैं तो idea मिल जाता है Not that I know too much. It's just that just trying to you know learn from all these beautiful books and get better and make my own best version of myself in my own way. That way. Thanks. Yeah. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Thank Very you so much and have a beautiful week. Can I add one thing? Thank you, ma'am. Bye-bye. अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होगी तो क्योंकि कनाडा में अभी शाम हो रही है और उसने मुझे बोला था कि वो शाम को निकल जाएगी डिनर के लिए सो इसलिए मुझे पता नहीं है वेदर शी इज देयर और नॉट सो मेनी इफ यू वॉन्ट टू हियर इट ऑन यूट्यूब प्लीज डू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे And thank you for everything that you've done for me and as an elder sister, almost like a mother you have been. And thank you so much for everything and have a best year ever. And we are all waiting for you to come to India in the month of November. And I will definitely come to Canada because you're constantly inviting me. So thank you so much and enjoy your birthday and the whole year. So birthday and till the next year, you will definitely see monumental changes in your life. So thank you so much and this is the birthday wish not just from me but from each one of us aur kal sabne wish kiya tha maine isliye nahi kiya tha because main tumhare desh ke hisab se wish karna chahti thi to mujhe pata tha kal 15 tha aur fir isliye maine raat ko usko phone kiya tha 10:30 pe mujhe pata tha wo subah jaag gayi hogi abhi aur uske country mein 16 shuru hui thi so now we are wishing you because in your country it is still 16th And so wish a very happy birthday from all of us. And to all of you, I want to say that she was really thanking and praising each one of you. And she said, वो तो मुझे जानते भी नहीं है और वो मुझे कितने दिल से wish कर रहे थे. So yeah, I mean, she was like, so many people wish happy birthday, Rashmi. She said, वो तो मुझे जानते भी नहीं है. वो मुझे कितने दिल से, कितने अच्छे लोग होते हैं दुनिया में. So this is what that's she told me. So I'm just conveying it to you. That's the beauty. मतलब भी जानते भी नहीं, लेकिन रश्मि मैम तो actually backbone.
अभी हम लोग करने लगे हैं ये सब कि अपने आप लॉगिन करना है, तुम सबको जो जोड़ के रखती हो ना सूत्रधार, इसलिए रश्मि मैम को बारे में रश्मि बोल रही थी देखना प्रिया की लाइफ इतनी अच्छी होने वाली है ना डॉली, सो शी कॉल्स मी दैट, देखना डॉली प्रिया की लाइफ इतनी अच्छी होने वाली है ना, कैसे जोड़ के एक एक जना जो यूट्यूब चैनल सुन के जिनकी लाइफ चेंज हो रही है वो सारी ब्लेसिंग प्रिया की तो जिंदगी में आएंगी ना. सो दिस इज व्हाट शी वाज टेलिंग मी यस्टरडे एंड आई एम श्योर शी लिसन टू द यूट्यूब वीडियो बिकॉज शी डिड टेल मी दैट यू नो लाइक शायद शाम का मेरा मतलब उसकी शाम हमारी अभी सुबह तो मैं वो सेशन मिस हो जाएगा लेकिन मैं यूट्यूब पे जरूर सुनूंगी. Dipti, we know you so well, even if we haven't met. Yeah, I mean, all of us know each other so well. Now we know each other's struggles also. But there's not a single day that I'm not grateful for you, really. Yeah, I mean, thank you so much. We all are really grateful to you, ma'am. I'm so blessed that all of you are there in my life. And this is like an individual message. Take it as an individual message. I really feel so fortunate, but is group mein aur group ke members ke liye blessing, mere count my blessings mein roz hoti hai, you know, matlab koi din aisa nahi hota jab main, you know, like I'm not thanking each of you and blessing you with that abundance of health, happiness, love, joy, or whatever it is that you want. So thank you so much for giving so much meaning to my life, you know, otherwise aise hi chalti jati shayad zindagi, and giving so much meaning to your own life and everyone else around us. So thank you so much. Sir, you wanted to speak something. Wo beech mein bol rahe the. Bolo bolo. Vijoy sir. I want to add, besides being self-made, you are very humble and laser beam focused. Thank you so much. Humility with self, that is the best quality in people. Being humble all the time. Thank you so much. Thank you. And I totally echo what Vijayji said. Sorry, Shiva. Yes. Absolutely. And I totally echo what Vijayji said. Like, time stamp. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. And have a great week. Sir, your words also always. Thank you. Thank you, ma'am.